तो फ्रेंड्स ये जो पिछली वीडियो है हमारे सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, तो हमारा जो कंट्रोल पैनल की सीरीज के अंदर जो वीडियो बनते हैं वो पार्ट वाइज बनते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि ये जो पार्ट वाइज हमारे वीडियो आते हैं तो आई होप यू कि आप समझ सके ज़्यादा। तो इसलिए हमारा जो पिछला वीडियो आप देख ले, क्योंकि आपको पता चले कि किस तरह से एक काम होता है यहाँ पर। तो ये वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो जो पार्ट वाइज हो चुकी है या पार्ट बनाया है या बताया आपको, तो आप देख सकते हो। उस पार्ट को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्या ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा से जानकारी आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सेव करने के बाद वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर हमें रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हमें लॉगिन करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के जाने के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाने के बाद हमें मिल जाएगा IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जितनी भी रिक्वायरमेंट हमें जो सीखने की ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो IIS सर्विसेज किस तरह की होती है, जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा, जैसे कि मीडिया फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट FTP, TFTP जितने भी होगी वो सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये फ्यूचर है, सर्विसेज नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर है। तो इस फ्यूचर को ओपन करना है, बंद करना है, स्टार्ट करना है, बंद करना है, तो ये फ्यूचर आपको आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह की फ्यूचर यूज़ करना चाहते हो। ओके, तो ट्रेसिंग भी होगी, हम ट्रेसिंग भी करेंगे क्या होता है, HTTP क्या होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डाउनलोड तो हो रहा है, क्योंकि होने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो डायनामिक क्या होती है, स्टैटिक कंटेंट कंप्रेशन क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ें होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये ऐसा क्यों है कि हमारा डायरेक्टली क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर IIS सर्विस नहीं आया और यहाँ पर हमें ऑन ऑफ कर जो यहाँ पर टर्न ऑफ फीचर जो ऑन ऑफ में आना पड़ा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है IIS सर्विस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमसे कोई गलती हो जाती है तो जो इंटरनेट के ऊपर हम जो काम करते हैं तो वो जो क्या होता है प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो यूज़र जो होता है जब तक परफेक्ट अपने सिस्टम सीख लेता है, समझ लेता है, तब तक ये चीज़ें उसको डायरेक्टली ना मिले, इसलिए यहाँ पर अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के खातिर यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जब भी आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स करोगे तो भी वो IIS सर्विसेज नहीं आएगा, जब तक आपको यहाँ पर इस तरह से आप सेलेक्ट करके डाउनलोड ना करें तब तक। तो तब तक के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हमें वेट करना होगा जब तक हमारा जो पूरा जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग का वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरह से वो डाउनलोड जो होता है वो स्टार्ट ही है मेरा, फिर यहाँ धीरे धीरे वो अप्लाई करेगा अपनी सेटिंग्स को, और साथ ही साथ जो चेंजिंग हो गया हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, तो हमें यहाँ पर इस तरह से अप्लाई चेंजिंग मिलेंगे। तो कम्प्लीटली डाउनलोड होने के बाद हमारी फाइल इस तरह से अप्लाई चेंजिंग होगी। तो हमें इस तरह से हमें अप्लाई चेंजेस के हमें विंडो मिलेगा। तो ये सेटिंग्स हो रहा है यहाँ पर, कुछ चेंजिंग्स हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो डाउनलोड किया था वो चेंजिंग हमारा विंडोज़ के साथ होता है। तो हमारा जो अप्लाइंग होती है, जो अप्लाई करते हैं हम कोई सेटिंग्स को, तो इसी तरह से विंडोज़ के अंदर जो फ्यूचर होते हैं वो डाउनलोड होने के बाद क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। हमारा अप्लाई पूरा होने को आया है और यहाँ पर अप्लाई होने के बाद हमें रिस्टार्ट करना होगा हमारे कंप्यूटर को। और रिस्टार्ट करने के बाद हम फिर से वहाँ पर कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाकर हम देखेंगे कि IIS सर्विसेज का जो टूल्स आना चाहिए वो आया है या नहीं। ओके, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि IIS सर्विसेज का जो टूल्स जो है वो नहीं आया था, क्योंकि फिर से आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो हमारा जो IIS सर्विसेज का जो प्रोग्राम होता है, मैंने कहा था कि कंट्रोल पे है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, तो अभी ये आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके, तो अभी ये आ चुका है। तो अप्लाई होने के बाद मैं इसको रिस्टार्ट मारूंगा, क्योंकि हमारा जो चेंजिंग्स है वो कम्प्लीटली परफेक्ट काम करे। ओके, तो आप इसे तो यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है यहाँ पर,
पहले वो नहीं था, अभी तक वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ चेंजिंग कर सकता है वो, तो चेंजिंग होने दो, आप अप्लाई होने दो, वो फिर हमें वो यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो IIS सर्विस जो अभी पहले नहीं था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पहले नहीं था, अभी है, तो ये चीज़ होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ये टूल सॉफ्टवेयर क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ सर्विसेज होती है वो हमें लिखनी होती है। तो ये जो कुछ सर्विसेज स्टार्ट हो रही है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो ओके, ये तो ये अप्लाई होने के बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग अप्लाई कुछ चेंजिंग के अंदर मैं IIS सर्विस को ओपन करके उसको डैमेज करूँ। तो अप्लाई कंप्लीट होने के बाद ही मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कम्प्लीटली ओपन करूँगा। तो पहले अप्लाई होने के बाद मैं रिस्टार्ट करूँगा अपने कंप्यूटर को। तो हम रिस्टार्ट कैसे करेंगे, कि यहाँ पर क्लिक करना है हमें, पावर पर जाना है हमें, पावर पर जाने के बाद रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा अप्लाई होने को आया है। ओके, तो मैं रिस्टार्ट करने के बाद ही मैं आपको कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन के अंदर ले जाऊंगा। ओके, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट चेंजेस, अब इसको क्लोज करके मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर को। तो मैंने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जितने भी कंट्रोल पैनल की सर्विसेज होती है वो दोनों में चलती है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, दोनों के अंदर। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स कैसे मिलेगा, हमें कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, लार्ज आइकॉन पर क्लिक करना है। ओके, तो पहले आपको जैसे कंट्रोल पैनल में जाओगे तो इस तरह से मिलेगा, आपको लार्ज आइकॉन पर क्लिक करना है इस तरह से, फिर एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर छोटी सी विंडो ओपन हो, और यहाँ हमारा IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ओपन हो गया है। तो मैं जैसे ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें इस तरह से विंडो मिलेगी हमें, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ, और यहाँ पर भी हम देख सकते हो कि कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर भी हमें IIS सर्विसेज मिलेगी। तो मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट से ही पढ़ाऊँगा। ओके, तो ओके, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर किस तरह से होता है तो देख सकते हो, चीज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि .NET ऑथराइजेशन, .NET कॉम्पिलेशन, .NET एरर पेजेस, .NET ग्लोबलाइजेशन, .NET टास्क लेवल्स। तो यहाँ पर ये .NET की अपनी अपनी सिस्टम होती है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सर्विसेज है। तो पहले हम विंडो के बारे में बात करेंगे। कोई ऐसी सर्विसेज है जो आप इंटरनेट पर चलाना चाहते हो, और कुछ ऐसी सर्विसेज है जो उस सर्विसेज को चलाना चाहते हो लेकिन उसको ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो। तो वो कंट्रोल ठीक तरीके से रहे, और ठीक तरह से आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, आपको अपडेट मिलती रहे कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही। तो जितने भी कंट्रोल सेट करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई सर्विसेज जो होती है वो चालू करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, कुछ भी हो वो यहाँ पर आप जो हो बता सकते हो, यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर, मतलब वो सर्विसेज जो इंटरनेट पर काम करती है, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड विंडो है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से विंडो ओपन होती है। तो फिलहाल मैं आपको बताने के लिए आपको इस तरह से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि PC, यहाँ पर मैं लिखा पर मेरा नाम आ रहा है कंप्यूटर का। फिल्टर क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि कोई भी हो चीज़ होती है उसको उसकी जगह पर दूसरी भी वो चीज़ चलानी चाहती है वैसे ही तो फिल्टर कर सकते हो आप। तो मैं बता देता हूँ कि डॉट ऑथराइजेशन और क्या होती है, इसकी अलग अलग सर्विसेज के बारे में। जितनी भी एप्लीकेशन होती है, पूल्स वगैरह होती है, यहाँ पर चलेगी उस सर्विस को यहाँ पर सेटिंग सेट कर सकते हो। राइट सेट के क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो ये नई विंडो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स वगैरह तो होते हैं यहाँ पर राइट साइड। फिर मैनेज सर्वर कर सकते हो, तो मैनेज सर्वर क्या होता है उसको रिस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर तो कर सकते हो। सर्वर एक तरह का छोटा सा ही इंटरफेस है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
फर्स्ट जो है वो ASP.NET के लिए काम कर रहा है। यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क होता है और .NET जो चीज़ एक प्रोग्राम होता है, एक सिस्टम होती है जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप तो .NET ग्लोबलाइजेशन है, .NET ट्रस्ट लेवल्स है, एप्लीकेशन सेटिंग्स है, तो ये सारी की सारी ऑनलाइन सर्विसेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड PC1 ये मेरे कंप्यूटर का नेम है, स्काई करके मेरा यूज़र है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि पेज एंड कंट्रोल्स, जो पेज है उसके पेज और कुछ कंट्रोल्स वगैरह है यहाँ पर। तो इस कंट्रोल को क्या यूज़ होता है, किस तरह का हम यूज़ करना चाहिए, तो मास्टर पेज फाइल है, स्टाइल शीट टाइम कटेस्ट स्टाइल सीट टेम है। तो ये सारा का सारा जो अलग अलग सिस्टम का सेटअप किया हुआ है, तो पहले ही मैं कह देता हूँ कि ये सारा का सारा ऑनलाइन यूज़ होता है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोवाइडर से सेशन स्टेट है, SMT ईमेल है, तो ये ASP.NET जो है ये ऑनलाइन यूज़ होता है। और यहाँ पर IIS लिखा हुआ है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, तो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो जो ऑथेंटिकेशन ऑन है, कौन सा है ऑन है, कौन सा डिसेबल है, तो ASP.NET इंप्रेशन। तो ASP.NET क्या होता है, तो ये फ्रेमवर्क होता है, इसका भी एक अलग तरह से कोर्स होता है। तो जैसे कि आप मैंने कहा था कि ASP.NET के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस वगैरह होते हैं, और ये एक तरह का प्रोग्राम का एक टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी की जो एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी पीछे लिए कोर्स आता है। तो ASP.NET आप देख सकते हो कि पेज एंड कंट्रोल्स क्या होता है, मशीन की क्या होती है, कनेक्शन सेटिंग्स क्या होती है, ये सारा का सारा जो है ये तरह कोड के अंदर होता है। तो ये बात इस ASP.NET प्रोग्रामिंग की हुई। और यहाँ पर IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस की बात हो रही है, तो ऑथेंटिकेशन, फिर कंप्रेशन क्या होता है। तो कंप्रेशन जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी आप फीचर यूज़ करते हो तो उसकी सेटिंग्स, उसकी रिस्पॉन्स जो होता है उस सेटिंग के बाद, उसकी इफेक्ट जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है। तो इसकी जो कंप्रेशन की जो रिस्पॉन्स है वो कंप्रेस करेगा आपकी रिस्पॉन्स को, और आपकी वेबसाइट जो है अच्छी तरह से आप यूज़ करोगे, आप अच्छी तरह से आप अपनी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो या तो दूसरों की वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को अच्छी तरह से मुझे कम डेटा की कॉस्ट पर अच्छी तरह से बैंडविड्थ से मुझे वेबसाइट ओपन करनी है। कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट ओपन होती है तो आधी अधूरी वेबसाइट ओपन होती है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन आपकी अपनी जो स्टैटिक कंप्रेशन जो इसकी रेंज होती है उसकी जो बाइट्स होती है वो बाइट्स के ऊपर ही काम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कि ये अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके पार्ट में के क्या होता है, यहाँ पर किस तरह की सेटिंग्स करना चाहिए हमें, और कितना हमें फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर, और हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।